तो फ्रेंड हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं खटक। हर जर्नी में वी मीट सम पीपल और मेमोरीज रह जाती है, सो वी मेट देम। हम इनसे मिले थे फ्रॉम बॉम्बे टू खटक, आज मिलते हैं, टाइम टू से बाय टू देम। बाय बाय। हाउ वाज द जर्नी? हमको भी मेगा पॉइंट डॉक्टर के साथ अच्छा लगा। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो। आज वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। चलो मिलते हैं, बाय बाय। चलो बाय। So I would like now Dr. Girish Valare, who is Bangalore, through his Bangalore. Chalo explore karte hain, Bangalore se start karte hain, exploring of Odisha. Hi, hi. So this is one place here we have and some garden which has been done by Geeta. Geeta. My better half. So it is actually the Bangalore which has been allotted to her. For this one, being an officer. Posting officer in the railways. Railways, yeah. Geeta is an officer in railway and she's been posted. Yes. So this is what her interest is, basically to have gardening, different type of plants and garden. So you have a room here, so we have made some queuing things which is typical old style. This is another room. This is another room over here. Room for storage. We have Acha, storage room. Yeah, yeah, but we can keep this. That's a bedroom basically. This is artifacts. Artifacts, traditional look. Yes. Steels and furniture of cane furniture. Yes. It's a hall area. Sit out area. This being a big platform. Yeah. This is a balcony. So this is the paintings. These are paintings done by Geeta. That's beautiful paintings. Beautiful. So progressively she has done this. So we have this one more bedroom. Enough space. So that we big can bungalow. Four families. Achha, four families can easily. Easily be accommodated. Accommodated over here. This is a little step up. Step up. Dining area. One more bedroom. Now this is our bedroom. Abhi we have occupied it for 3 days. We'll be staying over here. And we have a wash area. That is also bathroom. Means bathroom. With attached bathroom. Yes. And this is a medium sized kitchen. For our practical purpose. Okay, this is our kitchen. Huge place. Yes. Spacious bungalow. आराम से रह सकते हैं 3 दिन, कोई टेंशन नहीं है. Extend करो और 2 दिन. Extend करना मुश्किल होएगा. चलो चलते हैं अपना explore करना, enjoy करते हैं. गौरी केदार मंदिर, ये प्राचीन मंदिर है जो अष्ट शंभू मंदिर है उनमें से एक है। ये मंदिर मुक्तेश्वर मंदिर के एकदम बाजू में है। ये जो लाल मंदिर देख रहे हो, ये गौरी देवी का मंदिर है जहाँ पार्वती देवी की मूर्ति स्थित है। और जो सफ़ेद मंदिर आप देख रहे हो, यहाँ भगवान शंकर का शिवलिंग रूप में प्रस्थापित है और वो दक्षिण मुखी है। यहाँ दो कुंड भी हैं, एक है खैरा कुंड और दूसरा है मारीची कुंड। यह मान्यता है कि अगर कोई पुरुष खैरा कुंड में स्नान करता है तो वो जीवन मृत्यु के परे हो जाता है, और उसी प्रकार अगर कोई स्त्री मारीची कुंड में स्नान करती है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है, कलर किया गया इस मंदिर को। एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि भगवान शंकर और पार्वती शांति की खोज में वाराणसी से यहाँ आए और स्थापित हुए, इसीलिए ये दो मंदिर हैं, शंकर मंदिर, केदार मंदिर और गौरी मंदिर। दूसरी मान्यता यह है कि दो प्रेमी हुआ करते थे
गौरी और केदार ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन गांव वालों को ये मंजूर ना था, इसीलिए वो भाग के इस जगह आके रहने लगे। एक दिन गौरी को बहुत भूख लगी तो केदार उसके लिए अन्न की खोज में जंगल गए और वहाँ उसे शेर ने मार दिया। ये बात सुन के गौरी बहुत दुखी हुई और उसने जीवन ख़त्म कर दिया। और जब राजा लाला तेंदुआ केसरी को पता चला तो उसने इस मंदिर का निर्माण किया। तो यह है कहानी इस मंदिर की। So friends, this is the Mukteshwar temple premises, one of the beautiful architecture जिसे gem of Kalinga भी कहते हैं। यहाँ main है ये जो सामने दिख रहा है आपको कमान, ये मुक्तेश्वर temple है। ये जो दिख रहा है सामने ये है सिद्धेश्वर temple और यहाँ परशुराम टेम्पल। तो इस कॉम्प्लेक्स में ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं और हमने आए थे वो था केदार गौरी टेम्पल। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फोर टेम्पल्स, इट इज कंसिडर्ड एज द जेम ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर। सो फ्रेंड्स, एट प्रेजेंट मैं हूँ लिगराज टेम्पल। टेम्पल बिल्ट इन 11th सेंचुरी। अंदर अलाउ नहीं है रिकॉर्डिंग का, फोटोग्राफी कैमराज आर नॉट अलाउड, इसलिए अंदर मैं कुछ फोटोज़ कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सका। बट दिस कॉम्प्लेक्स इज़ अ ब्यूटिफुल कॉम्प्लेक्स, अ मार्वल ऑफ एन इंडियन आर्किटेक्चर। आओ और जो आर्किटेक्चर है उसके ऊपर का जो डिज़ाइनिंग है वो देखने लायक है। 108 कुछ मंदिर हैं यहाँ, सब शंकर भगवान के मंदिर हैं। मूर्ति है लगभग दो या ढाई घंटा आपको लगेगा देखने के लिए। लेकिन ब्यूटीफुल प्लेस, वर्थ कमिंग एंड एंजॉइंग। तो आज का सेकंड टेंपल हो चुका है, पहले हम गए थे मुक्तेश्वर, सेकंड लिंगराज टेंपल। बज रहे हैं दोपहर के 2 और अब यहाँ से निकलेंगे हम, कुछ पेट पूजा कर दें और बाद में देखते हैं आगे का आइटिनरी क्या है। मैं तो रस्सा वाली दिन लग रहे हैं, रस्सा वाली रोको। तू इस समय है क्या? मटन मटन चला क्या बोलता? मटन घोष
ओरिसा पद्धति ते ओरिसा ओरिसा हे पण ओरिसा टाइप फिश आहे अच्छा हे पण ओरिसा ते वेज मध्ये त्यांनी प्रॉन्स टाकले त्याला काहीतरी बोलली ना मगाशी गीता हां ठीक आहे वेज मध्ये काहीतरी प्रॉन्स टाकतो म्हणून इकडचं डालमा म्हणतात ना डालमा डालमा Каждый день идем и чего-то ждем ясным теплым днем.